मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय वैलेंटाइन डे के ऊपर है। हालांकि यह विदेशों में मनाने वाला पर्व है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचलन भारत में भी हो गया है। और जो प्रेमी युगल हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सच्चा करते हैं, झूठा करते हैं, यह बात की बात है, लेकिन उनकी भाषा में यह प्रेम ही है। तो उनके लिए यह पर्व कैसा रहेगा, विशेषकर तीन राशियों पर, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जूतम पेजार वाला भी पर्व है। जूतम पेजार का मतलब जूते पड़ने वाला पर्व। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे दल हैं, हुड़दंगी दल हैं, जो ऐसे प्रेमी युगल जहाँ भी पार्क में बैठे हुए होते हैं, घूमते रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनके जूते मारते हैं। तो ये जूतम पेजार वाला पर्व भी है। आप अखबार में भी पढ़ते हैं कि साहब इतने लोगों को जूते मारे गए, फिर उन हुड़दंगियों के भी जूते पड़ते हैं, क्योंकि जब पुलिस व्यवस्था है तो पुलिस व्यवस्था उनको रोकती है, उनके भी जूते मारती है। तो दोनों तरफ जूते पेजार वाली स्थिति बन जाती है। तो तीन राशियाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, चाहे हुड़दंगी हो चाहे प्रेमी जोड़े हो। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो दोनों को जूतम पेजार ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्र आपने पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में गंधर्व विवाह के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ तो आप एक ध्यान से सुने कि गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक संस्कार अंक छपा है, उसमें भी इस गंधर्व विवाह के बारे में अच्छा लिखा हुआ है। तो गंधर्व विवाह तो हमारे प्राचीन काल में होते थे कि एक वधू या एक लड़की अपने वर का चुनाव अपनी मर्जी से कर सकती थी, स्वयं वर कर सकती थी। तो यह तो हमारे यहाँ पर भी है सिस्टम। उसके बाद यदि आप हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके आधार पर हम पर्व त्यौहार आदि का निर्णय लेते हैं, उसका नाम है निर्णय सागर या निर्णय सिंधु, निर्णय सिंधु बोलते हैं उसे। तो निर्णय सिंधु का तात्पर्य ये हो गया कि निर्णय लेना है तो उसी पुस्तक से लेना है, कोई भी निर्णय। तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि यदि लड़की की आयु 13 वर्ष से ऊपर हो जाए या 13 वर्ष से अधिक हो जाए तो उसका पिता ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाता है, मतलब एक ब्राह्मण को मारने का दोष लगता है। ऐसी कन्या को घर में नहीं रखना चाहिए, उसका तुरंत विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि वह रजस्वला हो जाती है। तो वहां पर यह लिखा है कि यदि उसका पिता उसका विवाह नहीं करावे तो वह स्वयं अपने वर का चुनाव कर लेवे, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। तो क्या आप शास्त्र को झूठा कहेंगे? नहीं। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 13 वर्ष से ऊपर की कन्या अपने वर का चुनाव कर सकती है। हमारी भारत सरकार ने भी 18 वर्ष की आयु के बाद वर वधु अपने आप स्वयं वरण कर लेवे, चुनाव कर लेवे, ऐसी प्रक्रिया है। उनको आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो उनके साथ अगर प्रताड़ना कर रहे हैं तो पुलिस तो विरोध करेगी ही। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक नई व्यवस्था और बन चुकी है कि एक ऊंची जाति वाला व्यक्ति, ऊंची जाति का तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं बता नहीं सकता कि ऊंची जाति किसे कहते हैं, लेकिन एक ऊंची जाति वाला व्यक्ति नीची जाति वाले व्यक्ति से शादी कर ले, विवाह कर ले, तो सरकार उसे इनाम देती है 5 लाख 7 लाख रुपए। तो सरकार ने तो ये व्यवस्था बना दी है। तो ऐसे जो दल हैं जो विरोध करते हैं, उन्हें सरकार का विरोध करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कौन सी वस्तु है जो विदेशी नहीं है। छोटी छोटी ऐसी वस्तुएं बहुत सी हैं जो विदेशी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल हो। मोबाइल तो हमारे जेब में दिन रात पड़ा रहता है, यह विदेशी तो है। उसके साथ आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, यह भी विदेशी है। आप कपड़े पहनते हैं, वो विदेशी है। आप अच्छे अच्छे ब्रांड के जो कपड़े पहनते हैं, वह विदेशी है। 31st मनाते हैं, वहां पर भी विदेशी शराब पीते हैं लोग, यहाँ की देशी नहीं पीते हैं। और 31st मनाते हैं, वहां तो कोई रोक नहीं है। कोई बर्थडे मना रहा है तो वहां पर भी कोई रोक नहीं है, आराम से सेलिब्रेट करें, केक काटें, यह विदेशी संस्कृति तो है।
फिल्मों में, हिंदी फिल्में आ रही है, आप टीवी पर देखते हैं दिन दिन रात, उसमें भी तो आती है विदेशी परिधान, विदेशी, विदेशों में शूटिंग होती है, तो ऐसी फिल्मों को भी ना देखें। तो यह स्थितियां हैं। अभी एक व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं, 70 साल की उम्र है, 45 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की थी। अब आज वो फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का विरोध होना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति है, ये जो सिस्टम चला ठीक नहीं है, इस सप्ताह को भागवत सप्ताह के रूप में मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? आपने तो लव मैरिज की, और लोगों को आप कह रहे हैं कि साहब वैलेंटाइन डे मत मनाओ। क्यों? तो इसका जो है सीधा सादा अर्थ यही है कि ये सारी बातें गलत हैं। जो व्यक्ति जो चाहे अपने मन के अनुकूल कर सकता है, क्योंकि उसके माता पिता तो उसका विरोध कर ही नहीं रहे, फिर आप विरोध करने वाले कौन होते हैं? दूसरी बात, एक व्यक्ति को लोग अच्छा पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, तो आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसे भी मारे पीटें, विदेश में ना जाने दें, ऐसा हो सकता है? नहीं, विदेश तो जाते हैं पढ़ने अनेकों लोग। तो हम पाश्चात्य संस्कृति में ही तो गुलनशील लोग हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ गोकुल मथुरा में आके पड़े हुए हैं, खादी के वस्त्र पहनते हैं अंग्रेज लोग, और यहाँ पर प्रभात फेरियाँ करते हैं, भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं। हम कितने भजन गाते हैं? कुछ भी तो नहीं करते, और हम विरोध करते हैं। और हमारे संत शिरोमणि हैं बहुत से ऐसे हैं जो विदेशी घड़ियों को हाथ में पहनते हैं, स्विट्जरलैंड की, जर्मनी की घड़ियाँ हाथ में डाल रखी हैं उन्होंने, और बहुत महंगे महंगे एप्पल के फ़ोन हमारे साधु संत भी इस्तेमाल करते हैं। उन पर आप कितना कठोरता से प्रहार करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस विषय पर विरोध नहीं होना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोग, जिनकी कर्क राशि है, हिंदू हमारे यहाँ के जो पंचांग हैं उनके अनुसार जिनकी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, ऐसे तीन प्रकार के जो जातक हैं उनको 14 फरवरी के दिन विशेष सावधानी रखनी होगी। जो हुड़दंगी हैं उनको भी सावधानी रखनी होगी, और जो प्रेमी युगल हैं उन्हें भी सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि वालों को तनाव कम लेना होगा, यदि मानसिक अशांति रहती है तो यह दिन आपके लिए खराब हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्चे पर विशेष ध्यान देना होगा और अनावश्यक यात्राओं को रोकना होगा, ज़्यादा लंबी यात्राएँ ना करें, ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे ना करें। और मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर का ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य इस दिन खराब हो सकता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात अब सुनिए, काम की बात सबसे लास्ट में, हमारी राशियां भी विदेशी है, हमारी 12 राशियां विदेशी है, 4 वेद हैं, चारों वेदों में बता दीजिए कहां पर लिखी हुई है 12 राशियां। हम ज्योतिष को वैदिक तो कहते हैं लेकिन हमारी 12 राशियां किस वेद में लिखी है जरा यह भी बता दीजिए, बहुत से ज्योतिषियों को भी पता नहीं है। हमारी राशियां विदेशी है, स्वदेशी नहीं है। ग्रीस, बेबीलोन, यूनान, मिस्र, वहाँ पर इन राशियों की सबसे पहले प्रारंभ हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ वराहमिहिर ने उनसे इसको ग्रहण किया, ऐसा हमारी ज्योतिष की पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तकें हैं जो भारत की प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि तो इतना भी लिखा हुआ है कि वर्तमान में छपने वाले भारत के समस्त पंचांग अशुद्ध हैं। तो क्या हुआ, हम जिस नव संवत्सर को मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वास्तव में उस दिन वैशाख शुक्ल प्रतिपदा होती है, चैत्र उससे एक महीने पहले ही हो जाता है। फिर आप मनाते हैं परशुराम जी की जयंती, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्राद्ध पक्ष, गणेश चतुर्थी, और उसके अलावा न जाने बहुत से त्यौहार, नवरात्रि और दीपावली, होली, सभी गलत समय पर मना रहे हैं। और यह बात मैं नहीं, चारों पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं और उनके लिखित स्टेटमेंट हैं, तो उसे आप कब पढ़ेंगे? आपको हुड़दंग करना है तो उस बात पर करें, जो पंचांग गलत छप रहे हैं उन्हें बंद करवाएं। भारत के समस्त पंचांग अशुद्ध हैं, फिर शुद्धता क्या है? वेद के तो नाम ही नहीं है, मधुमास
माधव मास कहाँ गए ये वैदिक महीने? यजुर्वेद के 13वें अध्याय में लिखे हुए हैं हमारे वैदिक महीने, उनके नाम ही विलुप्त हो चुके हैं। तो आप यदि हुड़दंग करना चाहते हैं तो उस बात पर करें। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर सबसे पहले हुड़दंगी लोग लोगों को धमकाकर नवरात्रि के दिन चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर डांडिया रास करते हैं 9 दिन तक। उसमें लड़की लड़कियों को रास लीलाएं करवाते हैं। माता जी का पूजन, देवी शक्ति का पूजन तो बहुत दूर, शास्त्र चंडी यज्ञ करवाना तो बहुत दूर। व्यर्थ के साउंड गीतों पर लड़के लड़कियों को नचाते हैं और उसके बाद फिर 14 फरवरी के दिन उनको डंडे मारते हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो इस पर विचार कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं या तो पूरा सात्विक तरीके से और स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, या फिर केवल एक विषय पर ही विरोध करना ठीक नहीं है। मित्रों, जरा इस वीडियो को ध्यान से मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। और जो मैंने पंचांग वाली बात बताई है, यह मेरा पूर्व का वीडियो है, आप देख ले। लड़का लड़की यदि वैलेंटाइन डे पर मिल रहे हैं तो उनकी कुंडली पहले एक दूसरे आपस में देख जरूर लेवें, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो स्वार्थ पर बना रखा है। कहीं लड़का या लड़की स्वार्थी तो नहीं, किसी स्वार्थवश आपके साथ जुड़े हुए तो नहीं है, कल को आपके साथ धोखा तो नहीं कर देंगे। तो हमारा पूर्व का वीडियो भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यदि मित्रों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें।